आज बैठी टूटा आज तो ये बट तो दिया था बार बार तो कोई नहीं दिया ना कौन दिया ना गज मोबीलाल मिलेगा मोबीलाल भी कौन मिला मोबीलाल कौन मिला ना कौन मिला के नहीं मान तो मोबाइल तो मिला ना ना कोई मतलब भी बनिया तो अब की लाओ तो बीजेपी लाओगे ना बीजेपी तो आ रही आवेगी आवेगी तो छोड़े छोड़े कूदती आ रही है कतरा बटो जिताओ अजी बात हो अभी थोड़ा बच्चा जी ना आजकल का बच्चा है पूरी डाणी कांग्रेस की या गांव से बड़ी है बात नहीं अच्छा जना पंचायत में लगती है अच्छा पूरी डाणी का एक मत है एक मत है बीजेपी का अच्छा अगर ईटिया का छापा पड़ रहा है तो अगर मान लो चोर ही नहीं तो ईटी मेरे घर को जाओ फिर बांध कहीं जाए गाँव में पूरा वोट प्रेम जी का है कि मैं कोई गलत दबाई टिकट ले टिकट गलत ले लिया प्रेम जी के अलावा कोई नाम नहीं टिकट गलत ले लिया साहब टिकट गलत ले लिया बस आंकने जिला तो साहब 20 बनाया जो भी बन गो जिला के रोल से 50 साल से मांग थी अच्छा भाई अकेला नीम का थाना थोड़ा बनाया जिला 50 जिले बने और 20 जिले बने 50 साल से मांग थी नीम का थाना की ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीमका थाना विधानसभा की ग्राम पंचायत बाछड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चुनाव को लेकर लगातार तरीके से हम ग्राउंड जीरो से जाकर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस बार जनता का कैसा मानस है। जनता राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस किसको चुनना चाहेगी, जिनको लेकर लगातार जनता से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बाछड़ी में हम आए हैं, लोगों से रूबरू आपको करवाएंगे। इस बार जनता कैसा विधायक नीमका थाना में चाहती है, वर्तमान में जो विधायक उन्होंने काम वाम करवाए कि नहीं करवाए, उनको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम साहब प्रहलाद सिंह यही क्यों प्रहलाद जी? हाँ जी, चुनाव नजदीक है, बहुत कम समय बचा है और बात करें कि कैंडिडेटों की टिकट है वो भी डिसाइड हो चुकी है, तो क्या लगता है नीमका थाना में इस बार बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव के रूप में किनको चुनेंगे आप? प्रेम सिंह बादल बीजेपी की टिकट आएगी। अच्छा, कांग्रेस राज्य में काम नहीं होगी? ये मार गामत कुछ भी नहीं हो। पांच विधायक कौन दिया? एक ईट भी कौन लाएगी? अच्छा, इस बाछड़ी ग्राम पंचायत की बात करें तो कितने क्या वोट है जी? बाछड़ी 2000 के 3000 वोट 3000 सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। ज्यादा कौन से वोट है यहाँ पर? यहाँ एससी के भी है, गुजरवा उमल्ले ज्यादा है। गुजरवा तो क्या रहेगा जी इस ग्राम पंचायत का, इस बार हम बात करें तो कैसा क्या समीकरण रहने वाला? मेरा हिसाब से तो 70% बीजेपी है। 70% बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस के काम यहाँ नहीं हुए या कांग्रेस से नाराज क्यों है? नाराज कुछ नहीं, काम ही नहीं हुआ हमारे गाँव में, एक ईंट भी नहीं लगी। तो फिर आपके गांव की सुध क्यों नहीं ली गई? अब ये तो क्या है, जैसे जनता है, एक बार कोई रास्ता के ले गए थे, ओ भाई बताओ, तो विधायक बोल रहे हैं वो तो स्कूल बच्चे बोला परेशान हो रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया, कोई कटा हुआ रास्ता है, तो बोला वो तो स्कूल वाली व्यवस्था करेंगे। विधायक साहब कहते हैं उनके कार्यकर्ता गए उनको, मैंने बोले ये देखो विधायक जी ऐसे सुनवा में आक्रोश है जनता, आक्रोश तो है जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम साहब? भंवर सिंह तंवर। भंवर सिंह जी, तंवर जी थे, बताओ तो आपकी बार नीमका थाना की राजनीति की करोट बैठा जी? भाई प्रेम जी जीत तो हाँ। पाकी खेती लोबर की लोबर की हाँ। अच्छा, कांग्रेस को रोड़ो हो रहे कि भाई कांग्रेस काम अच्छा करवाए हैं? कांग्रेस काम कठे करवाया है बताओ? देखो कांग्रेस तो मार दो चाटा बरदा तो चारू रहेगा, बेरोजगारी पेपर लीक कर के क्या क्या कैम कांग्रेस आ गया बताओ? अच्छा अच्छा, नहीं कम जीतेगी आप ये बताओ? यो जिलो बनेगो के रोड़ो जी? जिला तो साहब 20 बनाया जो भी बन गो जिला के रोल से 50 साल से मांग थी। अच्छा भाई, अकेला नीमका थाना थोड़ा बनाया जिला, 50 जिले बने और 20 जिले बने, 50 साल से मांग थी नीमका थाना की, नीमका थाना की 50 साल से मांग थी जिले की। अच्छा, ये ग्राम पंचायत के अलावा नीमका थाना की बात करा तो आक्रोश है आपकी बात? जनता खूब आक्रोश है साहब, तो बदलाव करेगी जनता? अजी भ्रष्टाचार तो करे कांग्रेस की कोई हद को न, इतना भ्रष्टाचार किया जी कोई हद नहीं है। ईडिया का छापा पड़ रहा है तो अगर मान लो चोर ही नहीं तो ईडी मेरे घर को जाओ फिर बांध के जाए जाए आ बात है ना, तो बदलाव आ सकती है आपकी? बिल्कुल बदलाव आओ साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम है दोस्त? उमेश वर्मा। अच्छा, यही क्यों होगा? जोड़ली। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर नीमका थाना की जनता का कैसा रूप? नीमका थाना की जनता है 90% प्रेम सिंह जी बाजोर की तरफ, और लगभग प्रेम सिंह जी बाजोर की जीत होगी कम से कम 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से जीत होगी। अच्छा जी। और बाजोर साहब बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे सबकी तरफ गौर करते हैं, गरीबों के मसीहा, छोटो बच्चों के मसीहा, और मतलब गांव गांव में जाके घर घर जाके आमजन से मिलते हैं। आमजन से मिलते हैं। नुकसान होगा इस बार सुरेश मोदी को? मतलब सुरेश मोदी जी काम तो किए हैं लेकिन
गांव में आके नहीं देखे, गांव में आके बिल्कुल भी नहीं देखे। जैसे प्रेम सिंह जी बाजोर आके संभालते है ना, वैसे सुरेश जी मोदी नहीं संभालते। राम राम जी। राम राम जी। हरो के नाम विक्रम सिंह। अच्छा विक्रम जी थे तो आपकी बार मोर्चा की हटालो जी। मोर्चा की बार प्रेम जी की तरफ रोटली गांव में पूरा वोट पाकर प्रेम जी का है कि मैं कोई गलत दबाई टिकट ले ली प्रेम जी के अलावा कोई नाम नहीं। टिकट गलत ले लिया साहब, टिकट गलत ले लिया, बस आंख नहीं सुन ले। बाबा जी और नहीं बासड़ी सु बड्डी जाए बासड़ी सु थोड़ा सा खड़े हो जाओ। मैं मेरी आश्रम को बुखार हो रही है। अच्छा अच्छा बुखार हो रही है तो क्या बताओ मैंने कह रहे आपकी बार नीम का दाना की राजनीति के बारे में बताओ। राजनीति बात हो रहा होगा उनके बाद से चोड़े दर जा दो आएगी। हाँ तो कोई कार्य काम ही कोई ना हो रहा। पेंशन तो देगी था है, पेंशन तो आओ तारी पेंशन बंद हो रही थी टीम बना होगा। अब मैं कहें जी यहाँ करा दी, अब कराई तो प्रशासन से है काम तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं कहें जो सुरेश कराई बेचारो राशन रूशन मिला, राशन भी कट गज मोबी लाल मिलेगा, मोबी लाल भी कौन मिला, मोबी लाल कौन मिला ना कौन मिला के नहीं मान दो। मोबाइल तो मिला ना ना कोई मतलब ही बनिया तो अब की लाओ दो बीजेपी लाओगे ना बीजेपी तो आ रही आवेगी आवेगी तो छोड़े छोड़े तैयारी से कतरा बटो अजी बात हो। अभी थोड़ा बच्चा जी ना आजकल का बच्चा है पूरी डाणी कांग्रेस की जी, गांव से बड़ी है बात नहीं। अच्छा जना पंचायत में लगती है। अच्छा पूरी डाणी का एक मत है, एक मत है बीजेपी का। अच्छा तो नाराजगी क्या हुई जी कांग्रेस में? नाराज कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आज दर्शन दिया ना काम करियो ना कोई भी। अच्छा 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 बासडी में तो अहला से थारे साथ अति मतलब क्या काम क्यों कौन कराया? एंटी पार्टी ला गया सुरेश मोदी एंटी थी ना, दो आदमी कारण पूरा गाँव से पूरा गाँव से नाराजगी करवा ली नहीं जना ले लो वोट उठे आप। लेकिन अब वोट करना कहीं आओगे तो सारा करना तो एक ही लाल लाल मोदी खड़े हो रहे क्या टाइम मांगा प्रतिनिधि हूँगा एक ही लाल गिरधारी लाल। हाँ बाकू जदबो दो साठ तो बीजेपी वोटिंग है सारी। हाँ भाई तू बता। अरे बता बता दोस्त क्या नाम है? हंसराज। यही क्यों? हाँ आज क्या लगा की बार चुनाव लेके बात करा तो गांव को कसो की माहौल करे जी बीजेपी बीजेपी सकते बीजेपी है क्या? हाँ तो गांव पूरा बीजेपी करके हो रही बीजेपी इसलिए है मतलब जो मुख्यमंत्री है ना उनको चेंज करना है जो सिस्टम चला रहा राजस्थान में गहलोत वसुंधरा तो इसलिए मतलब बीजेपी की अब की बार नया मुख्यमंत्री बनाने की। मुख्यमंत्री भी नया बनाए अब ये तो कन्फर्म नहीं है पर बनेगा ना बीजेपी अगर जीतती है तो वहाँ परिपाटी जी चेंज कर रहे हो कि आपकी बार बीजेपी जन ला रहे हो? हाँ ले जाओ तो अभी ये बताओ जमीन बता रहे हो मुझे यही कहते ये पूरा कांग्रेस का वोट था जोड़ली का बाढ़ वोट को नहीं दत्ता जी रहना पंचायत में जोड़ली का थी। अच्छा अच्छा इस वक्त इस साल पूरी बीजेपी की तरफ हो गया पूरी बीजेपी पूरी अच्छी बात है पूरी बीजेपी है पूरी वर्ल्ड एक तिरपी का दोस्त क्या लागा क्या आज होगी आज होगी रात की मीटिंग देखो आप पूरी जोड़ ली एक जगह थी क्योंकि मीटिंग हुई रात में बीजेपी बहादुर साहब खुद आए थे। अच्छा अच्छा मीटिंग हुई रात में मीटिंग हुई थी तो आपकी बार बीजेपी लाओ बीजेपी लाऊंगा तो पक्का लाऊंगा काम करेंगे अगला जी 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 बाजी दादा कांग्रेस कर रही सब का नहीं है बीजेपी कांग्रेस का दोनों का नहीं है एक तरफा माहौल तो बराबर की टक्कर है बराबर किसी टक्कर है बता दिया अभी तो बता रहे बताया कोई नहीं बताओ मालिक ग्राम पंचायत बाछड़ी से हमने आपको लोगों से रूबरू करवाया के बारे में आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में लेकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।